बाय बाय कनाडा, बाय बाय कनाडा। पोपट होते होते बस गया, आज इष्ट देवता ने हमारी कृपा कर दी है। पीछे थे तुम लोग मेरे ख्याल से, वहाँ जहाँ पे ट्रैफिक जाम था वहाँ पे शायद इधर उधर हो गए। देख रही है पिक्चर जैन मील, जिसमें मिलता है सलाद। और ये हमारा समय है इधर ग्रीन चर्च से एग्जिट की तरफ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कनाडा से वापस आ रहे हैं इंडिया। फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर, जहां से फ्लाइट जानी है इंडिया के लिए। लेकिन हमारा सामान जो है पीछे वाली गाड़ी में है कुछ, तो हमें चिंता हो रही है कि वह समय पर पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं। हेलो भैया, कितने मिनट लग रहे हैं आपको? 2 मिनट लग रहे हैं। आपको तो 10 मिनट लग सकते हैं। पहुंच गए तुम लोग? 10 मिनट लग गए सानू, इन्हें फिर गलत ले लेंगे। पीछे थे तुम लोग मेरे ख्याल से, वहाँ जहाँ पे ट्रैफिक जाम था वहाँ पे शायद इधर उधर हो गए। कोई नहीं, आते रहो। हम लोग टाइमली पहुँच गए थे एयरपोर्ट पर, लेकिन हमारे साथ जो थे कुछ सामान उनके पास था हमारा, तो वो टाइमली नहीं पहुँच पाए, कहीं पर भटक गए। तो हम लोग जो है इमिग्रेशन पर खड़े थे चेक इन कराने के लिए, और जो है बहुत देर तक इंतज़ार किया, और वो काफ़ी देर तक लाइन पर लगे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सामान रह गया था ना, ये है लाइन लगी है E75। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी गेट ओपन होने का। ये है रीता पांडे। हाय, बाय बाय कनाडा। हम लोग फ्लाइट में इन कर चुके थे, और बाहर जो है मौसम बहुत ख़राब था, तो हमें अभी चिंता हो रही थी कि क्या होता है मौसम का। हमारा सामान कुछ रह गया था दूसरी गाड़ी में, लेकिन एन वक्त पर एट द 11th आवर पर वह सामान हमको मिल गया, जिस समय हम चेक इन करा रहे थे इमिग्रेशन पर, बोर्डिंग पास ले रहे थे। तो चिंता दूर हुई और हम बैठ गए सीट पर। फ्लाइट की खिड़की खोलकर बाहर देखा तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और जहाज़ भी टेक ऑफ करने के लिए तैयार था, अनाउंसमेंट होने वाला था कि अब टेक ऑफ करने वाला है। एक बार हमारी फिर हालत ख़राब हो गई थी जब टेक ऑफ किया प्लेन ने, उसके बाद जो है अनाउंसमेंट हुआ कि मौसम बहुत ख़राब है और आप लोग जो है सीट बेल्ट करें और इधर उधर कोई भी मूवमेंट ना करें, कहीं पर भी कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो एक नई चिंता हमारी फिर बन गई। पहली वाली चिंता सामान की ख़त्म हुई, तो नई चिंता फिर शुरू हुई, और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा सुनते ही और ज़्यादा चिंता होने लगी। अब हमने स्क्रीन पर इंग्लिश विंग्लिश पिक्चर देखना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद स्थिति ठीक हो गई, तब लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया, और फिर खाना भी हम लोगों के लिए आ गया। जैन मील, जिसमें मिलता है सलाद, फ्रूट्स, पाव, छोले, राइस, ब्रोकली, ये सब मिला। और दूसरी प्लेट में हमको मिला है सलाद, केक और चपाती। और खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक पिक्चर देखी, और पिक्चर देख के अपना टाइम काटा, लेकिन उसके बाद जो है नींद आने लगी, तो फिर हमको जो है हमने सोचा वॉशरूम आते हैं, उसके बाद जो है सो जाएंगे। अगर आपने फ्लाइट में टॉयलेट नहीं देखा है तो मैं दिखाता हूँ। यह है वॉश बेसिन, और यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है, इसको पुश करेंगे तो आ जाएगा पानी, तो आप धो सकते हैं हाथ। फिर दबाइए आप, फिर आएगा। यहाँ पर एक रखा हुआ शैम्पू, यह है नैपकिन, ये नैपकिन, ये वेस्ट, और ये हैंडल पकड़ने का, यह है शीशा, इधर शीशा, और ये है लैट्रिन सीट, और ये है दरवाज़ा, यह पूरा दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे तक। और इसमें लिखा है प्लीज़ लॉक द डोर, ये मैंने लॉक कर रखा, इधर को खसा के लॉक हो गया है, अगर इसको ऐसे करोगे तो खुल जाएगा। और यह है खोलने के लिए,
इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। नो स्मोकिंग, ऊपर से वेंट, हवा ठंडी हवा आ रही है। ये सामने लगा हुआ शीशा, ये है टॉयलेट सीट, ये है अगर आप इसको पुश करेंगे तो हो जाएगा प्लस। जहाज का शौचालय एक नीले रसायन के साथ साथ एक वैक्यूम सिस्टम का उपयोग करता है जो हर बार जब आप फ्लश करते हैं तो गंद को साफ और हटा देता है। अपशिष्ट और नीला सफाई तरल पदार्थ हवाई जहाज के कार्गो होल्ड के बिल्कुल पीछे फर्श के नीचे एक भंडारण टैंक में समाप्त हो जाता है। अनलॉक, ये लाइट ऑफ हो गई और इसको खोलूंगा तो ये दरवाजा खुल गया। लगभग सभी लोग सो चुके थे और हमने इसी बीच खिड़की का शटर खोल के देखा तो हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर जो है सनराइज़ हो रहा था। खूबसूरत दृश्य यहां पर से सनराइज़ का दिखाई दे रहा था, लेकिन फ्लाइट के अंदर काफ़ी रोशनी हो रही थी इसलिए हमको इसको तुरंत बंद करना पड़ा और हम भी सोने का प्रयास करने लगे, आराम से कुर्सी में लेट गए। मौसम ख़राब होने के कारण सर्वर डाउन था और काफ़ी टर्बुलेंस आया और स्क्रीन पर फ़्लाइट की पोजीशन नहीं दिख रही थी। बाद में दिल्ली पहुंचने पर के रास्ते में ये फ़्लाइट पर पोजीशन दिखाई दे रही है, ये दिल्ली पहुंचने वाला है। अब हमारा फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था और हम खिड़की से जो है दृश्य देख रहे थे। आप भी देखिए कैसा दिखाई देता है लैंड करते समय दृश्य। अब हमारा फ्लाइट पूर्णतः लैंड कर चुका था और हम निकले अब गेट से बाहर। आगे इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हम निकले सीधे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और यहां से हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और निकले सीधे बाहर एग्जिट की ओर। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।